सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पोथरी आगे लिए तैयार करें। आज माता कलेसिया सेंट बोनिफेस धर्माध्यक्ष का शहादत का त्योहार मनाती है। आज हम विशेष रूप से हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं, प्रभु के आशीष के लिए, और विशेष रूप से हमारे देश पर प्रभु के आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने गुब्बारे धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु शहीद संत बोनिफेस हमारे मध्यस्थ बने, वे जिस सुसमाचार का प्रचार करते थे उसका साक्ष्य उन्होंने अपने रक्त से दिया, हम भी उस सुसमाचार का प्रचार दृढ़ता पूर्वक करें और उसे अपने सत्कर्मों में प्रकट करें। हमारे प्रभु अदरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा जो दरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जीवन तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय एक वाक्य संख्या 1-3 एवं 6-12। पाठ का मूल वाक्य, तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। यह पत्र प्रिय तिमथी के नाम पौलुस की ओर से है जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जाओ और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हो, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य
तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादि काल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर उस दिन तक सुरक्षित रखने में सामर्थ्य है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया न करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। जय घोष, आलेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपकी आत्मा के साथ। शनिवार को उसके अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 12 पद संख्या 18 से 27 तक। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। सात भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया, दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया, तीसरे के साथ भी वही हुआ और सातों भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और ना स्त्रियां विवाह में दी जाएगी, बल्कि वे स्वर्ग दूतों के सदृश हो जाएंगे। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में जाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम संत मार्कुस के सुसमाचार सुन रहे हैं और
कभी कभी काफी कठिन बातों पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज भी हम देख रहे हैं बड़ा सवाल आज सुसमाचार हमने हमारे सामने रखते हैं। ये बड़ी रोचक बात है कि 2000 वर्ष पूर्व प्रभु के समय में ऐसे ज्ञानी लोग वहां पर विद्यमान थे जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, सदूकी लोग, जिनके बारे में आज के सुसमाचार में जिक्र किया गया है। सदूकी और फरीसी यहूदी लोग और या यहूदी धर्म के ही एक प्रकार से वह टीचर्स हुआ करते थे, और उनमें कुछ लोग जो अपने आप को सदूकी कहते हैं वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। बड़े रोचक बात इसलिए है कि 2000 वर्ष पूर्व से इस प्रकार की बातें लोग मानते थे कि पुनरुत्थान होता ही नहीं है। आज भी हमारे विश्व में बहुत सारे लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। दैट सो कॉल्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड, यूरोपियन वर्ल्ड, वहां के लोगों से अभी पूछा जाए तो अधिकांश लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। तो पहले जमाने में भी थे और अभी भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन सदूकी लोग नास्तिक नहीं थे, ईश्वर पर आस्था था, लेकिन पुनरुत्थान पर आस्था उनका नहीं था। लेकिन मैं एक बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगा कि हमारे धर्म, ईसाई धर्म जो है, पुनरुत्थान पर 100% विश्वास करते हैं। एक प्रकार से उसी के ऊपर हमारे धर्म की शिक्षाएं बनी हुई है। किसी भी धर्म मनुष्य के कुछ मूलभूत विचार होते हैं, समस्याएं होते हैं, दुविधाएं होते हैं, उसका जवाब देने के लिए उसका उद्भव हुआ है। किसी भी धर्म का उद्भव हम इन तमाम मूलभूत सवालों का जवाब में पाते हैं। जैसे कि इस विश्व की या इस धरती का उद्भव कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी, इंसान का इस दुनिया में आना कैसे हुआ था, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या जीवन होता है, इस प्रकार के कुछ मूलभूत सवाल है। इसके जवाब देने का, इस कठिन सवाल का जवाब देने का कोशिश अधिकांश धर्म करते हैं। अपने अपने ट्रेडिशंस के अनुसार सभी धर्म का अपना अपना मानना है। खैर, मैं यहां पर हमारे ईसाई धर्म के कुछ मूलभूत बातें जो पुनरुत्थान से जुड़े हुए हैं आप सबों के साथ रखना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, अगर हम लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास पर कोई सार्थकता नहीं है। हम विश्वास ना करें तो भी ठीक है, हमारे पूर्ण विश्वास पुनरुत्थान पर आधारित है। हम यही विश्वास करते हैं कि मानव कुछ पल के लिए इस दुनिया में आते हैं और यहां हमारा पूर्ण विनाश नहीं होता है। अक्सर जब रिट्रीट स्पीच करने का मुझे मौका मिलता है, मैं एक टॉक विशेष रूप से मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में देता हूं। आज खैर उसके लिए समय नहीं है, लेकिन हमारे विश्वास के इस मूलभूत बातों को मैं अवश्य आप सबों के सामने साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहन, हम पूर्ण विश्वास पुनरुत्थान पर करते हैं, मृत्यु के उपरांत जो जीवन है उस पर विश्वास करते हैं। अगर विश्वास नहीं करते हैं तो हम विश्वासी ही नहीं। अगर हमारा विश्वास इस दुनिया तक सीमित है, मृत्यु तक सीमित है, तो हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, विश्वास के अनुसार जीने की जरूरत नहीं है। हम मृत्यु उपरांत एक जीवन पर विश्वास करते हैं, तभी हमारा विश्वास सार्थक है। प्रभु का पुनरुत्थान से लेकर मेरा और आपका, हम सभी का पुनरुत्थान उस पर शामिल है।
एक नए जीवन उस पर शामिल है। और इसीलिए हम यही मानते हैं कि मानव की जिंदगी कुछ पल के लिए भले यहां पर रहते हैं और कुछ पल के बाद ये समाप्त होते हैं, हमारी आत्मा चिरंजीवी है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो ईश्वर पर वापस लौटता है। पुनरुत्थान पर पूर्ण विश्वास, और जब हम पूर्ण विश्वास पुनरुत्थान पर करते हैं, एक बात और जोड़ना चाहता हूं, हम लोग थियरी ऑफ कर्म री इनकारनेशन पर आधारित है। ऐसे विश्वास है कि एक जीवन के बाद दूसरा जीवन और दूसरे जीवन के बाद तीसरा जीवन, इस प्रकार हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास इतना है कि इंसान को एक बार जीवन मिलता है और उसके बाद उनके जीवन खत्म होता है और वह ईश्वर के सामने ईश्वर पर एक हो जाते हैं। हम थियरी ऑफ कर्मा में विश्वास नहीं करते हैं, री इनकारनेशन पर विश्वास नहीं करता है। जो शरीर है मृत्यु के बाद उस पर पुनः जीवन नहीं होता है, लेकिन हमारी आत्मा सजीव है और चिरंजीवी है। प्यारे भाई और बहनों, सदूकियों के सामने ये बड़ा सवाल था, हमारे सामने भी काफी समय जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, हमारे भी सामने इस प्रकार के सवाल अवश्य आ सकते हैं। हम हमारे विश्वास पर आधारित यही जवाब उन तमाम सवालों के सामने रख सकते हैं कि हमारे भले शरीर की मृत्यु हो जाए, आत्मा चिरंजीवी है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। अगर हमारे विश्वास पुनर्जीवन पर है और मृत्यु उपरांत एक जीवन पर है, उसके लिए सदा हमें तैयारी भी करनी है। हमारा धार्मिक जीवन उसी के लिए है, हमारा विश्वास उसी के लिए है जो हमें आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। सवाल ये हमेशा उठते रहेंगे कि पुनर्जीवन किस प्रकार का होगा, इसका सटीक जवाब ना मैं दे सकूंगा या कोई अन्य दे सकेंगे, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि पुनरुत्थित प्रभु हम सबको एक पुनर्जीवन के लिए आह्वान करता है। वही हमारे विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर प्रभु का पुनरुत्थान हुआ है, मेरा और आपका भी पुनर्जीवन अवश्य है। आमीन। बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्सुकता पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्र कार्य कृपा हमें शुद्ध करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित न्याय संग। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदीर्घान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्ग दूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदीर्घान एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु दुवासो में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कठोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु,
हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस एवं सेवा निवृत्त धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दिया दृष्टि डाल के अंबियन जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्या कुवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम युग तेरा ही है। आमीन। हम समिल का पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर प्रकट होगा हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पथारे प्रभु को धन्यवाद दे। आज हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। चुनाव के दौरान जो इलेक्ट होकर प्रभु नए शासन चलाने वाले नए गवर्नमेंट को आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं प्रभु। विशेष रूप से हम प्रार्थना में उन्हें आपकी ओर उठाते हैं। जन कल्याण एवं सबके हित में कार्य करने के लिए प्रभु उन्हें प्रेरित कर। आपके पवित्र आत्मा का संचालन उन्हें हो ताकि हमारे देश के हर एक व्यक्ति तरक्की करने में कामयाब हो सके। विशेष रूप से गरीब तबके के लोगों के प्रति प्रभु ऐसे कार्य योजनाएं बनाए जिसके द्वारा हमारे देश की गरीबी मिट जाए, हर कोई तरक्की कर पाए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को वो समा